अंगिलाल जी सर, हवलदार पुष्पा को बुला, इसकी तलाशी ले। हवलदार पुष्पा बुला रहा है ये। मतलब ये बुला रहे हैं। Excuse me, okay? I've got some rights, okay? I'll call the cops. हाँ जी? हाँ जी? मतलब you are the cop. हमने कोई किसी को किडनैप नहीं किया है भैया। तुझे ना मेरी काबिलियत का अंदाजा नहीं है, देख। तुझे पता नहीं है मैं एक घंटे में 10 लोगों का खाना बना सकता हूँ। वाव। वाव नहीं, और तेरे जैसे मुजरिम को 10 मिनट में पकड़ के हवालात में कर सकता हूँ, समझा ना? तू मंगीलाल बुला ना पुष्पा को। जी जी, अरे यार पुष्पा आ जाओ ना यार। देखिए मैं कंप्लेन कर दूंगी भैया। एक मिनट, तू तो वही हो रखा ना वो जो मुरारी सेठ के यहाँ लहंगे बेचता है। मतलब अगवा करने का काम तूने पार्ट टाइम लिया हुआ है? नहीं नहीं दारोगा जी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब तो तुझसे मेरा ये डंडा ही बात करेगा। सारे जवाब निकलेगा एक एक तेरे मुंह से, देखना कैसे। मांगी ऐसी, ओ गॉड, तो सुबह सुबह निकलती ना आज, इसकी दिन में निकली है। अरे बोल ना। हाँ। दरोगा जी वो आपसे। नहीं नहीं दरोगा जी, दरोगा जी मार जाएगा ना, मत इनको मार जाएगा। नहीं पिंटू जी आप जी, दरोगा जी, दरोगा जी आपको मेरी अमचूर वाली लौकी की सब्जी की कसम, आप इन्हें छोड़ दीजिए। क्या इतनी बड़ी कसम दे दी आपने इस मुजरिम के लिए? मुजरिम नहीं है जी, पति है मेरे। आपके जो पति है ना, बड़े अजीबोगरीब शौक हो रखे इसके, ये लोगों को अगवा कर रहा है, पता है आपको? नहीं नहीं जी, वो तो मेरे कहने पे ये इलायची जी के साथ थे। क्या बड़ी अजीबोगरीब सी पत्नी है आप। पराई लड़की के पास खुद ही भेज रही है? नहीं नहीं जी, आप गलत समझ रहे हैं। वो क्या ना, सुनीता जी अपने गांव गई हैं, तो इलायची जी को अपनी सहेली की बहुत याद आ रही थी और दुखी भी थी, तो मैंने इनसे कहा कि उनकी सहेली बन के रहे, इसीलिए मेरे कहने पे लड़की बने जी। अच्छा, अब आप बोल रही है तो सच्ची बोल रही होंगी जी, पर इन्हें छोड़ने की कीमत में आपको मुझे को देना होगा। कोने में तो आइए बुबूजा। आइए आइए, जाइए जाइए जी। कोने में क्यों? आप आए, अब तू पहले बाहर निकल, तो बड़ा खू खू कर, तू बाहर जा, उसको भी ले जाओ। आ जा, वो है वो जो अपना वो कौन है, गोल लाल वाले टमाटर जी, भरवे टमाटर की रेसिपी लेनी है, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। अच्छा अच्छा, वो तो आप घर पे आ जाइएगा, मैं अच्छे से समझा दूंगी। अभी तो मैं इनको लेके जाती हूँ, बेचारे बहुत परेशान हो गए मेरी वजह से, है ना गुगु? हाँ बुबू। जब ये आपका उबू बुबू हो जाए ना, तो मुझे बुला लीजिएगा, ठीक है? हाँ मैं आ जाऊँ, एक मिनट। हेलो, ओ हेलो, कमिश्नर सर, जय हिंद जी। हाँ वो करेले का हलवा भाभी जी को बहुत पसंद है। नहीं मतलब रेसिपी मैं फोन में कैसे दूँ सर, मैं काम करता हूँ, मैं वहीं आके बना के दिखाता हूँ ना, अभी आ रहा हूँ सर, बस निकल चुका, रास्ते में हूँ। हाँ सर, थैंक यू सर, चलो मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ है मंगी? बाहर ही होगा, मेरा अर्जेंट कॉल आ गया, बहुत जरूरी है। दरोगा जी, अरे आपका छोड़, दरोगा जी का ये बता, धोया तो नहीं दरोगा तुझे? भाई तूने बचा लिया यार, भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। रो मत यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें ना हमारी करने की सजा मिल रही है। अबे तेरे करने की सजा नहीं, इलायची जी के मजे की सजा मिली है तुझे। क्या बोल रहा है यार? अबे हाँ, उल्लू काटा है हम लोगों का, सुनीता जी जिंदा है, कोई खुदकुशी नहीं की उन्होंने। क्या बकवास कर रहा है? मैं सही बोल रहा हूँ बेटा, इलायची जी ने अपनी बेइज्जती का बदला लिया है, और यार उसमें मेरी बेवफा सुनीता जी ने भी साथ दिया उनका। हाय कितने प्यारे झुमके हैं। तेरी बात है ना 100% सच्ची निकली।
अब की तो मैं कंगन मांगूंगी, ऐसी आंखें चढ़ाऊंगी कि एक सांस में जाके ले आएंगे। चल मैं रखती हूँ फोन। कंगन चाहिए सब बोल, आंखें चढ़ाई, आंखें आंखें चढ़ा, आंखें डरा दे मुझे, मैं कांपू पर तेरे आगे हैं। सुन ला दूंगा कंगन, प्यार हो गया मुझे भूतनी से। भूतनी से प्यार हो गया? इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे। उस भूतनी से ना, इस भूतनी से प्यार हो गया है। इस बार इलायची जी ने ना हद पार कर दिया, कसम से कह रहे हैं। इलायची जी की सारी हद ना इस बरसाती पे आगे खत्म हो जाती। देख ना, हमारा खून जला के दोनों सहेलियां निकल गई स्कूल ट्रिप। हाँ यार, ये क्या क्या करे जा रहे तू, ऐसे 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 करे जा रहे गंदा आदमी। वो क्या है ना, मैं पड़ोस वाली सल्ला के अचार डालने गई थी तो शायद उसी के सिर से एक दो जू मेरे सिर में आ गए। अब औरतों में तो आम बात है जी। लेकिन वो क्या है ना कि आप औरत नहीं है ना जी। शुक्र भाई कि तुझे याद है कि मैं औरत नहीं आदमी हूँ। भाई अभी तक तो मैं बाहर से औरत था, लेकिन अब तो अंदर से भी औरतों वाली फीलिंग आने लगी यार। क्या मतलब? भाई मैं औरतों की साड़ियों की डिजाइन देखने लगा हूँ। और कल तो मुझे इस बात की जलन हो रही थी कि एक औरत की चोटी मेरी चोटी से लंबी है। भाई बहुत रायता फैल रहा है, बहुत हो गया अब। देख भाई तुझे पता है ये नाटक कब तक करना है? जब तक हमें ब्रेक नहीं मिलता और तू थोड़ा दूर रहे, बहुत अलग टाइप का आदमी बनता जा रहा है तू। वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे ब्रेक दे दे, इस विग और साड़ी से ब्रेक दे दे। अंदर से ना वायर जो है शॉर्ट हो रहा है, अगर ब्रेक नहीं मिला तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा यार। कहीं ऐसा ना हो मैं पैंट की जिप लगाना ही भूल जाऊं। ठीक है फिर, एक दिन हफ्ते में सिर्फ एक दिन तू लड़का बन सकता है। ए हेलो, लड़का बन सकता मतलब? भाई मैं लड़का ही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, फिर भी थैंक यू एक दिन देने के लिए। और नीचे कैसे जाएगा तू, ये सोचा है तूने? अरे उसकी फिक्र ना कर, वो तो अपना पड़ोस वाला सक्सेना ना, उसकी छत से टपक के चले जाएं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जा जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू। छोटे तेरी दुकान में चिड़िया विड़िया आ गई, कुछ कबूतर वबूतर से आ गए क्या? अरे ना ना सेठ जी, ये बाबू था शौकीन है, जे स्टाइल मैंने ही दिया उसको नई नई। अच्छा मुझे लगा कबूतर है कोई, ऐसे समझना आया मुझे। अरे यार क्या क्या, क्या, क्या कर रहा है तू? है उस तरह की जगह तू जा, छुरी ले आए मेरे सामने है, हटा यार इसे, हटा हटा हटा। कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी, तुमने मेरे कौन से पैसे मारे हैं जो उस तरह की जगह छुरी ले आऊंगा? ये देखो ये क्या है, देखो ये गर्दन, ये क्या है? अरे हाँ उस तरह यह है यार, वो क्या है छोटे कि मेरी आंखों में ना एकदम कुछ साफ दिखाई ना दे रहा, कुछ कुछ जलन सी मच रही है बहुत। क्या बात कर रहे हो, आंखों में जलन हो रही? हाँ और क्या सेठ जी, पहले बोलते ना ऐसे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये देखो आंखों में खीरे लगा लो, ठंडा ठंडा लगेगा और आंखों में जलन ना होगी। इसके पैसे लगाएगा तू? हाँ तो सच्चा मैं खाई ना लू। सेठ जी मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहा था तू? तुम्हें एक बात पता चली? कौन सी? अरे वो है ना अपने मोहल्ले में पिछली गली। हाँ शंकर गली। हाँ हाँ तो अरे एक बहुत बड़ा खतरनाक सा पहलवान आया लोटा तिवारी। अच्छा। अरे पूछो ना सेठ जी, लोगों को मारता इतना है और सुनता बाद में, बिना बात के धोबी पछाड़ बना रहा है लोगों की। लो चांदनी चौक में पहले ही स्टंडो की कमी थी जो ये अपनी पहलवानी दिखाने चला आया है। कौन दिखा रहा है पहलवानी चांदनी चौक में मेरे रहते? पिंकी जी पूछ रहे हैं भाई। क्या चल रहा है आपके राज में दरोगा जी, क्या चल रहा है ये? क्यों क्या हो गया सेठ जी, बीवी उठा ली किसी ने आपकी है? वैसे किसी से उठने वाली है तो नहीं वो? पुलिस वाले से नैन मटक का सीधा जेल लेके जाएगा सेठ जी।
इस तरह घूरने की कोई जरूरत नहीं है वैसे हैं। अरे ना ना दरोगा जी, असल में बात ऐसी है कि सेठ जी की आंखों में कुछ चला गया है, मतलब दिखाई ना दे रही है, जलन अलग से हो रही है। इनका कहने का मतलब ये हो रहा है कि मोहल्ले में वो है ना अपना लोटा पहलवान, बड़ा खतरनाक है, आप कुछ ना करोगे? करेंगे ना, क्यों ना करेंगे, हम उसे उसके हाल में छोड़ देंगे। कैसे पुलिस वाले हैं आप? एक गुंडा जो है मुंह उठाए खुलेआम घूम रहा है और आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। कहाँ हाथ पे हाथ धरे हुए हैं, सिलाई बुनाई चल रही है। अपने श्रीमती जी के लिए ऊनी ब्लाउज बनाया जा रहा है। हूं? मतलब आप किसी काम के हैं नहीं? क्यों नहीं है, खाना बना लेते हैं हम, सिलाई बुनाई कर लेते हैं और जब टाइम मिलता है तो ड्यूटी भी कर लेते हैं, क्यों नहीं है काम के? हाँ, लेकिन लोटा दिवारी का कुछ ना कर पाएंगे आप? हमने तो सुना है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो पकड़ लो उसे जाके। कानून के हाथ तो लंबे होते हैं सेठ जी, लेकिन कुछ लोगों की गर्दन बड़ी ऊंची होती है, लंबे हाथ ऊंची गर्दन तक पहुंच नहीं पाते। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं तो क्या उखाड़ लिया? बगल के बना दूं? सुन, कैसी बात है? और इलायची कैसी है? अभी बताता हूं कि इलायची कैसी है। बाद में बताऊंगा इलायची कैसी है, अभी आंखों में ड्रॉप पड़वा के आ रहा हूं। अरे इलायची की माँ, अरे इलायची की माँ, करू कहाँ है तू? अरे करो, क्या हुआ इलायची के पापा? अरे इधर बैठ, आके यहाँ तो बैठ। क्या बात है, आज दिन में ही मेरी याद आ गई। सुन, मेरी आंखों में देख। तुम बिना कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं ना कर रहा हूँ, अब जो करेगी तू करेगी ना, मुझसे नहीं होगा। अरे सुन तो, वहां पे देख, देख वहां पे मुझे लैंप के पास देख, एक वो रखा होगा आई ड्रॉप, वो आंखों में डाल दे। बहुत बहुत जलन हो रही है मेरी आंख में, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। क्या हुआ, रो रही होगी और क्या? इसलिए बुलाया तुमने मुझे? अरे सुन तो, मेरी आंख में डाल दे, बहुत दर्द हो रहा है मेरे, बहुत दर्द हो रहा है, सच बता रहा हूँ मैं तुझे, डाल तो। आप खोलो जैसे मुझे घूरने के लिए खोलते हो। ऐसे नहीं, ऐसे। उफ़ो। अच्छा चल डाल। अरे तूने एक ही आंख में डाला, दूसरी आंख में भी तो डाल, दूसरी आंख में भी तो डाल। अरे मेरी आंख में जलन हो रही है और तुझे हल्दी छूट रही है। हाँ हाँ, सुन करू करू। अरे सुन तो, फुलझड़ी हो रही है आज है। सुन, कितने टाइम के बाद ना हम दोनों इतने नजदीक आ रहे हैं आज। कैसे गंदी गंदी बातें कर रहे हो तुम? गंदी बात तो, ये लड़की जो पैदा किया ये तूने काजू खा के पैदा कर दी। मेरा कोई हाथ ना है इसमें, छेड़ो मत। अरे सुन तो, अरे मेरे पास तो बैठ। अरे एक मिनट, अरे तू समझ ही ना रही है यार, तू तो एकदम फुलझड़ी हो रही है। अरे यार कहाँ है तू? अरे मेरी एक तो आंख में, अरे तेरी, अरे तेरी, अरे तेरी, अरे कहाँ है तू? सुन तो, अरे सुन, अरे करो। हेलो हैंडसम। प्रणाम मैडम जी, बताइए आपको क्या दिखा सकते हैं? कुछ भी दिखा दो मेनू, तो अड्डी पसंद आ। जी आप ही पसंद कर लीजिए, हमारे पास एक से बढ़कर एक वैरायटी के लहंगे हैं। बताइए कितने तक के दिखा सकता हूँ आपको? ना ना ना, तू ना पैसे रिटेंशन ना ले, बस जो भी दिखाना बड़े प्यार नाल दिखाना मेनू। ये एक तो ये है, और ये वाला देखिए, ये देखिए, इस पे ये जरी का काम हुआ है और आप पे खूब जमेगा। एक काम करो, मेरा ना नाप ले लो, पता तो चले ए लहंगा मेरे नाप दा हैगा कि नहीं हैगा, नाप ले लो चलो। अब,
ये देखिए ये अरे एक मिनट रुक अरे इलायची की माँ तू तो बड़ी सख्त बदन हो रखी है मैं तो यहाँ हूँ इलायची के पापा अरे एक तुम ऐसी आंख से ठीक से दिखाई ना दे रहे हो फिर तू यहाँ हूँ वहाँ हूँ यहाँ हूँ है अच्छा ऐसा हो सकता है कि मैं दिखाई ना दूँ ये सब है ना तुम्हारे बहाने हैं मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली हूँ हाँ। अरे तू मेरे क्या तू तो किसी के हाथ ना आने वाली अरे करू करू सुन तो करू करू अरे अरे करू 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 पकड़ लिया आवाज बदल रही है तू है मुझे मत बना तू हाय बुड्ढे जवान को देखी नहीं तो छेड़ना शुरू कर देता मैनू हां अरे करना हाय तेनू मेरे नाम की भी पता चलिया अरे मेरी बीवी का नाम है बदतमीज मैं तेनू तेरी बीवी देखनी आ क्या नहीं दिखाई तो नहीं दे रही लेकिन लग रही है मैं ना तेनू जुत्ती निकाल के मारूंगी अरे देखिए मुझे माफ कर दीजिए मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहा है हां सब बदमाश ना ऐसे ही बोलते हैं हूं ना मैं तेरा देखना चलना बोलना सब बंद करवा दिया तू ना जानता नहीं मैं कौन हूं अरे सुनिए सुनिए बहन जी हाय बहन जी होगी तेरी बीवी मैंने अभी तेरा हिसाब किताब पूरा बराबर कर लिया हां अरे छी रासलीला कर रहे हैं सुमन सेठ जी क्या है सेठ जी आपका ये रूप हमने पहले नहीं देखा हमें शर्म आती है कि हम आपके जैसे लीचड़ इंसान के साथ काम करते हैं बकवास मत कर मैंने ऐसा कोई गलत काम ना किया है अच्छा दुकान में ग्राहक का इस तरह स्वागत करते हैं वाह तू मेरी बात ही नहीं समझ रहा है एक मिनट मालिक तू है या मैं हूं है बता तू कौन होता है मेरी पेशी लगाने वाला बात कर रहा है बेकार की सेठ जी भले ही हम नौकर क्यों ना हो औहदे में कम क्यों ना हो हम समझते हैं सब समझते हैं हम और आंटी जी को ना हम सब बता देंगे अरे लेकिन ये सब उसी का किया धरा है बता मुझे दौड़ा रही थी और मुझे क्या पता था कि उसी के साइज की एक दुकान पे बैठी हुई है तो गलती से मैंने उसे मेरा मतलब पकड़ लिया तो पकड़ने के बाद आपको एहसास हो गया होगा ना कि वो नहीं है आप वहां पे क्यों खड़े होते चले जाते आपको फर्क नहीं पता चला अरे थी भी तो बिल्कुल वो तेरी सेठानी की तरह तू समझ नहीं रहा है दोनों हाथ की जो है घेरे में आई ना रही थी वो और फिर नाम भी तो उसका करुणा था मेरे तो भाग्य फूट गए अरे सुन करू अरे सुन तो कैसे समझाऊं तुझे देख मैंने गलती से उसे पकड़ लिया अच्छा तो वहां ये पंचम भी तो खड़ा था गलती से इसे ना पकड़ा क्योंकि इसे पकड़ के वो मजा ना आता ना अच्छा चल मुझे माफ कर दे करू पंचम समझाना अपनी सेठानी को जी ठीक है हम संभालते आंटी जी इनसे गलती हो गई है ये माफी मांग रहे हैं इन्हें माफ कर दीजिए माना कि एक पराई स्त्री को छूना पाप है पर अब ये पाप इनसे हो गया है क्या कर सकते हैं अब हम अबे तू 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 समझा रहा है या मेरे तलाक के कागज बनवा रहा है बता एक मौका और सेठ जी देखिए आंटी जी जैसा कि सेठ जी ने कहा कि इन्हें वो औरत आपके जैसी लगी तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि ये हर औरत में आपको देखते हैं है ना सेठ जी